नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज दोस्तों हम लोग देखेंगे हिंदी यूपीटीटी 2020 यानी जो आज 8 जनवरी को हुई है, इसके हिंदी के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो इस पदांश में कौन सा रस है, तो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो ये जो सही आंसर है इसका श्रृंगार रस होगा, ठीक है, लेकिन वात्सल रस भी सही हो सकता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप इसको स्टार बना के समझ लीजिएगा, स्टार कर लीजिए, बाद में हो सकता है इसका आयोग चेंज कर दे आंसर। उपरोक्त पद किस कवि का है, तो तुलसीदास का है, ठीक है। ये जो ऊपर पद दिया गया है वो तुलसीदास का है। उच्चारण स्थान की दृष्टि कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा थर्ड, ठीक है, सॉरी सेकेंड, सा दंत में आता है, ठीक है। आगे दिया है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनिधि, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ये अंक हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है आगे रेमन पानी राखिए में, इसमें श्लेष अलंकार होगा, ठीक। आम राम आम खाता है में वाच में कौन सा रूप है, तो ये कृतवाच है। इसके आगे 55 में मेरे लड़के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया गया, इसमें आपका ये बहुवचन सही हो जाएगा, ठीक। इसके आगे देखते हैं निम्नलिखित में अगला है, सॉरी निम्न में से एक शुद्ध वर्तनी वाला बताई दिया आपको। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है, दो महाप्राणों व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। नेक्स्ट उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन का सही क्रम बताइए, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बगल में निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, तो खेत हो जाएगा, ठीक है, ये पहला वाला गलत है। निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है 37 में, तो देशज शब्द आपका धड़ाम हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट 32 को देख लिए, सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित कीजिए में सी बी ए ये सेकंड आंसर सही होना चाहिए। छत्रुंगर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है आयोग व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाना। ऋग्वेद का शब्द हो जाएगा, तो ऋग्धन वेद हो जाएगा, ये सेकंड नंबर। तुलसीदास के रचनाकार हैं, तुलसी रस के रचनाकार केशव दास हैं, सही है। अन्य से अनन्या की ओर, ये अन्य से अनन्या किसकी रचना है, तो अन्य से अनन्या ये प्रभु खेतान की रचना है। आप बीती शब्द में समास है, तो आप बीती शब्द में जो आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है, तो ये घोंसले में चिड़िया में अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। प्रभु तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, ठीक, तो कबीर दादू नानक रैदास, प्रभु तुम चंदन हम पानी, तो ये मेरे हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा, रैदास होना चाहिए सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया उपयुक्त गद्यांश का धर्म संसार के सारे वेद सीमित है, तो राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है। नेक्स्ट है 43 उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आभार किसने बताया गया है, देखिए इसका आंसर यह तो ए सही होगा, यह तो थर्ड सही होगा, ठीक है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, तो कनुप्रिया के रचनाकार आपको इसमें बताना है, तो कनुप्रिया के रचनाकार हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा, सही आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है आपका 46 प्रयोजन शब्द का समानार्थी नहीं है, तो नियोजन हो जाएगा, ऋचु का विलोम शब्द है वक्र, ठीक। आगे है 48 में निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण के निर्देश अशुद्ध है, तो वह नौकर कोई विशेषण नहीं है इसमें, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, तो संबंध वाचक सर्वनाम का बोध होता है। नेक्स्ट है प्लुत स्वर हो जाएगा, तो प्लुत स्वर ओम आपको रटा होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये मेरे हिसाब से चील होगा इसका सही आंसर, बाकी आयोग देखते हैं क्या इसका सही आंसर बताता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और किस सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत है।